सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग तनाव पाठ से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। आइए चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न हमारा, भारत में सन 1942 के शुरू के महीनों में क्या पढ़ा? आंदोलन, तनाव, शांति, संपन्नता। सही उत्तर होगा तनाव। अगला प्रश्न, तनाव पाठ के आधार पर भारत के शहरों पर किन हमलों की संभावना पैदा हो गई थी? पहाड़ी, मैदानी, हवाई, समुद्री। सही उत्तर होगा हवाई। आइए अगले प्रश्न की ओर। सात और आठ अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कहां पर खुली सभा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर विचार किया? दिल्ली, बंबई, लखनऊ, पटना। सही उत्तर होगा बंबई में। अगला प्रश्न, तनाव पाठ के आधार पर एक लंबा और विशद प्रस्ताव कौन सा था? आजादी, भारत छोड़ो, असहयोग, पंजाब विभाजन। सही उत्तर होगा भारत छोड़ो। तनाव पाठ के आधार पर एक लंबा और विशद प्रस्ताव भारत छोड़ो था। अगला प्रश्न, कांग्रेस कमेटी कैसी सरकार का गठन करना चाहती थी? निरंकुश, आंतरिक, अंतरिम, बाहरी। सही उत्तर होगा अंतरिम। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार का पहला कार्य क्या बताया गया था? ब्रिटिश सरकार को सहयोग देना, शत्रु देशों से बातचीत करना, मित्र देशों से सहयोग प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। सही उत्तर होगा मित्र देशों से सहयोग प्राप्त करना अंतरिम सरकार का पहला कार्य बताया गया था तनाव पाठ के आधार पर। अगला प्रश्न, कांग्रेस कमेटी ने सरकार की आजादी के लिए किससे अपील की? ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, नेपाल और चीन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से। अगला प्रश्न, कमेटी ने किसके नेतृत्व में जन आंदोलन करने का प्रस्ताव पास किया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा ज्योतिबा फुले। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन करने का प्रस्ताव पास किया गया। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आप लोग आगे की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग लेकर के।